आपको वीकेंड में इवनिंग का टाइम हो और कुछ खाने का मन करे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसा मसालेदार या चटपटा मिल जाए जिससे इवनिंग की भूख भी मिट जाए और मुंह में स्वाद भी आ जाए। तो इवनिंग की इसी भूख को मिटाने के लिए लेकर आ गए हैं अपनी एक बहुत ही डिलीशियस एंड क्रिस्पी रेसिपी के साथ, जिसका नाम है क्रिस्पी वेज कटलेट। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान होती है और इजीली तरीके से हम लोग इसे तैयार कर लेते हैं, बट ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। स्पेशली बच्चों के लिए इवनिंग में ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। तो आज इस चैनल पर आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये क्रिस्पी वेज कटलेट तैयार किए जाते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं रेसिपी कैसे बनाई जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्वाद देसी तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। वेज क्रिस्पी कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 से 5 बॉयल आलू, जिसको हमने क्रश कर लिया है, और इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ही होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा ढीला आलू नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने घर में अवेलेबल 1 से 2 ब्रेड्स को अच्छी तरह से क्रम कर लिया है और उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इसके बाद हमने ले लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। ध्यान रखिए, ये टुकड़े जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि वो मसाले में मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम इस रेसिपी का टॉप इंग्रेडिएंट जो कि है सूजी, इसमें मिक्स करेंगे। सूजी का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में इसलिए कर रहे हैं, इससे हमारे वेज कटलेट बहुत ही क्रिस्पी और लजीज तैयार होंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने भुनी हुई सूजी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने ले लिए हैं यहाँ पर गार्लिक, जो कि 3 से 4 है। 3 से 4 गार्लिक को छोटे टुकड़ों में काट कर हमने इसमें मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे हरी मिर्च, और ये 1 से 2 है। इसे बारीक टुकड़ों में काट कर हम इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमारी रेसिपी के जायके को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है हरे धनिए का। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पुदीना भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने ले लिए सूखे मसाले, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने यूज किया गरम मसाले का। इससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया है ओरिगैनो का, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने बॉटल वाले ओरिगैनो का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, और अब हम मसाले को बहुत ही हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टाइट हाथों से मसाला नहीं गूंदना है, अदरवाइज मसाला हमारा ढीला हो जाएगा और हमारे वेज कटलेट क्रिस्पी और स्टेबल नहीं बनेंगे। इसलिए मसाले को बहुत ही हल्के हाथों से आपको गूंदना है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह से आपको मसाले को गूंदना है, और ध्यान रखना है कि सभी मसाले, सूखे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसी तरह से आपको मसाले को इसमें मिक्स कर लेना है। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ग्रेटेड बटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमने ग्रेटेड बटर का यूज़ किया है। ग्रेटेड बटर को डालने से इस मसाले की स्मूथनेस और बढ़ जाएगी और हमारे क्रिस्पी वेज कटलेट बहुत ही क्रिस्पी और स्मूथ बनेंगे। तो इस ग्रेटेड बटर को भी हमने इसमें मिला लिया और अब हमारा डो बन के तैयार हो गया है। डो बन जाने के बाद हमें इसे छोटी गोलियों के रूप में या पेड़े के रूप में लेकर इसे गोल गोल गूंदना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे गोल शेप के भी आप क्रिस्पी वेज कटलेट्स बना सकते हैं। हमने यहाँ पर वेज कटलेट्स को बनाने के लिए लंबे शेप का प्रयोग किया, इसे दूसरे शब्दों में बुलेट शेप भी कहा जा सकता है। तो ये देखिए, इस तरीके के लंबे शेप्स के हमने यहाँ पर वेज कटलेट्स तैयार किए हैं, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, इस कॉर्नफ्लोर में हमने थोड़ा सा पानी मिला के इसे पतला बना लिया है, और इस कॉर्नफ्लोर से हम अपने वेज कटलेट्स को मैरिनेट कर लेंगे, जिससे ये और क्रिस्पी, जब ये फ्राई होंगे तो इस कॉर्नफ्लोर की वजह से ये और क्रिस्पी बनेंगे।
अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से कोट करने से ये और ही क्रिस्पी तैयार होते हैं, और इस तरीके से हम पूरी एक प्लेट तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल में ही इन्हें फ्राई करें, बहुत अच्छे से फ्राई भी होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने 3 या 4 वेज कटलेट्स को डीप फ्राई किया है, और ये देखिए ये फ्राई होने के बाद इनका कितना अच्छा टेक्स्चर निकल के आया है, कितने सुंदर, कितने लजीज, कितने डिलीशियस ये दिखाई दे रहे हैं। उतने ही लाजवाब ये खाने में भी होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और इसी तरह बाकी के कटलेट्स को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इनकी कंसिस्टेंसी देखिए, कितना अच्छा टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी निकल के आई है। और यही कलर और यही टेक्सचर होना चाहिए एक वेज कटलेट्स का। अब इसे हम प्लेट पर बटर पेपर के ऊपर ले लेंगे, जिससे इसका ऑयल पूरी तरह से सोक हो जाए। ये देखिए लाजवाब कह सकता हूँ मैं इन वेज कटलेट्स को, जो कि खाने में और भी डिलीशियस होंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो लीजिए जनाब, तैयार हैं स्वाद से लबालब, जायके से भरे हुए और रूहानी खुशबू देने वाले और बहुत ही सुंदर दिखने वाले ये क्रिस्पी वेज कटलेट। क्रिस्पी वेज कटलेट को आप इवनिंग स्नैक्स में, पार्टी स्नैक्स में या किसी स्पेशल ओकेशन में इसी रेसिपी का यूज़ करके इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे ये दिखाई दे रहे हैं, कितना अच्छा इनका टेक्सचर निकल के आया है। बच्चों को भी ये कटलेट्स बहुत ही पसंद आते हैं। आप इवनिंग स्नैक्स में इन्हें बनाइए, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। तो अगर आपको हमारी ये क्रिस्पी वेज कटलेट की रेसिपी अगर पसंद आई हो, तो आपके अपने चैनल स्वाद देसी तड़का को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। स्वाद देसी तड़का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। तो जनाब चलते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी एक अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ अपने एक नए व्लॉग में। अभी के लिए लेते हैं अलविदा, शब्बा खैर।